आज 4 जनवरी बुधवार को अब्दुल मन्नान सेठ फाउंडेशन की ओर से बीदर के शाहीन कैंपस में मेगा जॉब मेला आयोजित किया गया। इस जॉब मेले में बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से 100 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने भाग लिया। इस जॉब मेला में शहर बीदर के कई बेरोजगार युवा उपस्थित रहे और जॉब के लिए अप्लाई किया। इस अवसर पर इन सभी कंपनियों की ओर से कई बेरोजगार युवाओं को जॉब ऑफर लेटर दिया गया। इस जॉब मेला के अवसर पर इस जॉब मेला के आयोजक व उपाध्यक्ष कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अब्दुल मन्नान शेख ने केपी न्यूज को इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सबसे पहले मैं केपी न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ और केपी न्यूज के व्यूअर्स को आदाब कहता हूँ। आज यानी 4 जनवरी को शाहीन कैंपस में एक मेगा जॉब फेयर हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम सुबह 10:30 बजे हुआ। इसमें 100 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनीज आए हैं, बेंगलोर, मैसूर, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद से। इसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसमें किर्लोस्कर मोटर्स है, टाटा है, रिलायंस है, एक्सिस बैंक, SBH है, ऐसी कई कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं। इसमें एक अंदाज़ा है कि 1000 से ज़ायद बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो बीदर के पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ पे सुबह से स्पॉट सिलेक्शन हो रहा है और स्पॉट पे ही जॉब ऑफर लेटर्स भी दिए जा रहे हैं। कई बच्चों को 15,000, 20,000, 35,000 और एक लड़के को तो भी 2.5 लाख की सैलरी का जॉब ऑफर दिया गया। मैं इसमें और 3 घंटे बचे हैं, जो लोग भी नौजवान हैं यहाँ के, जो जॉब की तलाश में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की खोज में हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो शाम तक यहाँ पे पहुँच कर इस जॉब फेयर से फ़ायदा उठाएँ। जी, इसमें 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े लिखे नौजवान से लेकर जो डिग्री, मास्टर डिग्री तक जो पढ़े हैं, उन तमाम डोमेन के लोगों के लिए यहाँ पे मौका है। और यहाँ पे कई किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें हर स्टेज की तालीम हासिल किए हुए लड़के फ़ायदा उठा सकते हैं।